ही पवन सिंह का छठ गीत का गाना आ रहा है। जी हाँ, बहुत ही फैंस उतावले हो रहे थे, बहुत ही निराश थे फैन, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। लोग ये जानना चाहते थे कि भाई उनका गाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही मशक्कत के बाद ये बात पता चली है कि पवन सिंह का एक ही गाना आएगा और वो भी अरुण बिहारी ने लिखा है वो गाना। और फिलहाल अभी ये किस YouTube चैनल पे आएगा, कहाँ रिलीज़ होगा, इसकी थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है, और जल्द ही जैसे ही आएगा वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन हाँ, ये कन्फर्म हो चुका है कि पवन सिंह का गाना छठ का वो ज़रूर आएगा, क्योंकि पवन सिंह के जितने भी फैंस थे काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। बार बार ये सवाल आ रहा था कि उनका गाना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। एक बार कन्फर्मेशन भी हो गई, हमने इस पर वीडियो भी बना दिया था कि फाइनली इस बार पवन सिंह का गाना नहीं आने वाला है, लेकिन फैंस का दिल पवन सिंह शायद तोड़ ही नहीं सकते। जी हाँ, इसीलिए तो उनके डाई हार्ड फैन उन पर मरते हैं, इसीलिए तो वो भोजपुरी के शेर हैं, और यही कारण है कि उन्हें भोजपुरी का सलमान खान कहा जाता है। जिस तरह सलमान खान अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ते, उसी तरह से पवन सिंह अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ते। तो इस बार एक ही गाना आएगा, और कहा जा रहा है कि कलसा धरेबो, याद होगा आपको उनका बहुत ही फेमस सॉन्ग जो कि नवरात्र में पहला रिलीज़ हुआ था, कलसा धरेबो सॉन्ग, उस पर ही, उसी ट्रैक पर ही बना हुआ गाना है। लेकिन ये कंफर्म 101% है कि पवन सिंह का गाना छठ का ज़रूर आ रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।